अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एबीएस इंट और एसक्यूआर फंक्शंस आज के हमारे टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। अच्छा, एबीएस फंक्शन जो होता है ये किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है, यानी कि उसका साइन ख़त्म कर देता है। अगर वो -5 है तो उसको माइनस ख़त्म कर देगा, ठीक है, सिर्फ 5 आउटपुट कर देगा, ठीक है, यानी कि उसके नंबर के साथ, इंटीजर के साथ जो भी साइन होगा उसको ख़त्म कर देगा। ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है, ठीक है, ये यानी नंबर्स के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, 3.4 है, ठीक है, 7 है, तो उसके ऊपर हम इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट ये है कि पहले एबीएस लिखेंगे और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम वो नंबर लिखेंगे जिसके ऊपर इस फंक्शन को हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी जिसका साइन ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम या तो उस नंबर को डायरेक्टली लिख देंगे या फिर उसका वेरिएबल लिख देंगे। अच्छा, तो ये जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे हम कोई नंबर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख देंगे और उस वेरिएबल में फिर उस नंबर को स्टोर कर देंगे, ठीक है। जैसे फ़र्ज करें अगर 3.14 है, -3.14 है, ठीक है, तो हम पहले एक्स की वैल्यू -3.14 कर देंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम सिर्फ एक्स लिख देंगे, जैसा कि अभी इस वक्त इस फॉर्मेट में लिखा हुआ। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल है, लाइन नंबर 10 में हमने लिखा प्रिंट एबीएस, अगर ब्रैकेट में लिख दिए -15, इसको जब चलाएंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, हाली 15 आ जाएगा। इसी तरह लाइन नंबर 20 पे हमने लिखा प्रिंट एबीएस -12.45, इसको जब हम रन करेंगे तो इसका भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, 12.45 आ जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने लिखा प्रिंट, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, लाइन नंबर नहीं मैंने लिखा, ये कमांड के तौर पे चलेगा। अच्छा, अब मैंने एबीएस लिख के उसके बाद ब्रैकेट में -15 लिखा, ठीक है, इस तरह भी चल गए, इसका आंसर आया 15। अच्छा, अब मैं लाइन नंबर भी साथ लिख रहा हूँ, एज अ स्टेटमेंट इसको लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 10, आगे प्रिंट, अब मैं फंक्शन लिखूँगा एबीएस और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया -12.23। अच्छा, अब मैंने इसको जब रन किया तो माइनस ख़त्म हो गया, हाल ही 12.23 स्क्रीन पर हमारे सामने आ गए, ठीक है, प्रिंट मैंने इसलिए लिखा था ताकि वो स्क्रीन पर आउटपुट साथ ही दे दे। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन का काम ये होता है कि ये किसी भी नंबर के अंदर से जो उसमें जो इंटीजर मौजूद है, यानी कि वो वैल्यू जिसमें पॉइंट और उससे आगे वाले जो नंबर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते, ठीक है, उस नंबर को ये आउटपुट कर देते हैं, ठीक है, यानी अगर 3.4 है तो ये सिर्फ 3 को आउटपुट कर देगा, ठीक है, 0.4 को ख़त्म कर देगा। और अगर इसमें कोई होल नंबर डाल दें, यानी कि हम अगर डायरेक्टली 10 लिख के इसमें डाल दें तो वो एज इट इज़ 10 ही आउटपुट कर देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लाइन नंबर 10 पे हमने लिखा जे, एक वेरिएबल बनाया, जे इज़ इक्वल टू इंटीजर, ब्रैकेट में लिखा 3.49 आगे लिख दिया, ठीक है। अब जे वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन स्टोर हो चुका है, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने 20 नंबर लाइन लिख दिया प्रिंट जे, तो जब मैंने इसको चलाया तो सिर्फ 3 आउटपुट हुआ, ठीक है, 0.9999 जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, इग्नोर हो गया इंटीजर फंक्शन की वजह से, यानी कि ये सिर्फ इंटीजर जो है उसको आउटपुट कर देता है, ठीक है, पॉइंट और उसके आगे वाली वैल्यू को ख़त्म कर देता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने पहले ऑटो लिख दिए लाइन नंबर को ऑटो करने के लिए, उसके बाद लाइन नंबर 10 में मैंने लिखा ए इज इक्वल टू इंटीजर 3.99, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख दिए,
ए वेरिएबल में मैंने इस फंक्शन की वैल्यू को स्टोर कर दी है। अब मैंने प्रिंट ए कर दी है 20 नंबर लाइन पे, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, मैंने जब रन किया तो आपके सामने स्क्रीन पे 3 लिखा हुआ आ गया, यानी 0.99 जो है वो इग्नोर हो गया, ठीक है, वो ख़त्म हो गए। अच्छा, आज के लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है वो है एसक्यूआर फंक्शन। एसक्यूआर फंक्शन जो होता है उसका काम ये होता है कि ये किसी भी नंबर का स्केयर रूट फाइंड करके हमें दे देता है, ठीक है। ये फंक्शन पहले से बेसिक लैंग्वेज में मौजूद है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है, पहले से इन्होंने ये फंक्शन बनाकर जो डाला हुआ है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का स्केयर रूट निकालता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स इसमें हम नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें पॉजिटिव नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 0 या इससे बड़ा नंबर हम इसमें लिख सकते हैं, नीचे वाले यानी माइनस वाले नहीं लिख सकते। तो इसका फॉर्मेट इस तरह से है कि पहले हम एसक्यूआर लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम उस नंबर को लिखेंगे जिसका स्केयर रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट में एक्स लिखा हुआ, यानी कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं एक्स में, उस नंबर को स्टोर करके वेरिएबल लिख देंगे, या फिर डायरेक्टली भी हम नंबर यहाँ लिख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम लिख दें एसक्यूआर ब्रैकेट में 9 लिख दें, उसको जब चलाएंगे तो 9 का स्केयर रूट यानी 3 आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू लाजमी 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल है, ये थोड़ी सी वैसे डिटेल्ड एग्जांपल है, फंक्शन इसमें जो है वो सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि एक्स की जो वैल्यू उसका स्केयर रूट जो निकाला था, ठीक है, इसको हमने एक लूप के अंदर डाल दिए, ठीक है, इस एग्जांपल में। अच्छा, इसमें से लाइन नंबर 10 में हमने लिखा 4x इज इक्वल टू 10 to 25 स्टेप 5, यानी कि एक्स के ऊपर एक लूप चलाना है, और एक्स यानी कि एक वेरिएबल है, ठीक है, लूप वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू 10 से लेकर 25 तक शफल करेगी, ठीक है, और स्टेप इसका जो है वो 5 का, यानी कि पहले 10 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद 15 हो जाएगी, हर बार 5 का डिफरेंस आएगा, फिर 20 हो जाएगी, फिर 25 हो जाएगी, ठीक है। चार वैल्यूज जो है ये लूप, इसमें ये चार वैल्यूज इस लूप में जो है वो एक्स देगा। 20 में हमने एक्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है, एक्स की जो वैल्यूज़ होगी वो स्क्रीन पे एक तो प्रिंट हो जाएगी, यानी ये 10, 15, 20, 25, ठीक है। दूसरी चीज़ कॉमा डाल के हमने लिख दिया एसक्यूआर ब्रैकेट्स के अंदर एक्स, यानी कि यही जो नंबर्स हैं इनके साथ साथ स्केयर रूट भी लिखे हुए आएंगे, दोनों चीज़ें प्रिंट होगी, यानी कि अच्छा, तो एक्स की वैल्यूज़ एक तो ये प्रिंट करता जाएगा, साथ साथ उनके स्केयर रूट भी जो है उनको भी स्क्रीन पर प्रिंट करता जाएगा। अच्छा, 30 नंबर लाइन पे हमने नेक्स्ट एक्स लिख दिया, इससे क्या होता है कि ये लूप वापस इसके बाद वापस जो है वो लाइन नंबर 10 पे ये चला जाएगा नेक्स्ट एक्स की वजह से, ठीक है। तो इस तरह पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ठीक है, सारों की वैल्यूज़ और उनके स्केयर रूट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। जब इसको रन करेंगे हम तो अब ये देख सकते हैं, पहले 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और 10 का स्केयर रूट फिर उसके बाद लिखा हुआ है, इसी तरह फिर 15, फिर उसका स्केयर रूट 3.872984, ठीक है, फिर 20, फिर उसका स्केयर रूट, इसी तरह 25, फिर उसका स्केयर रूट जो कि 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लूप के अंदर इस फंक्शन को इस्तेमाल किया, ठीक है। ये थोड़ी डिटेल एग्जांपल है, आप सिंपली बस अगर छोटी एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसा करो कि आप लाइन नंबर लिखो, फर्क लाइन नंबर 10 है, ठीक है, और उसमें हमने स्केयर रूट फाइंड करना, हम आगे लिख देंगे एसक्यूआर और उसकी ब्रैकेट में हम फर्ज करें 9 लिख देते हैं। तो इसको जब चलाएंगे तो 9 का स्केयर रूट 3 होता है, तो 3 हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।